सर आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन शायद अब मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने तुमसे क्या वादा किया था, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, so just be a little patient, हाँ? ज़्यादा वक्त नहीं है सर, मुझे हर केस, हर फाइल, हर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके तार कैसे या कभी भी सिकंदर से जुड़े हो। अर्जुन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सिकंदर के बारे में हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट सिकंदर जैसे किसी शख्स की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है हमारी टीम के पास। यू अंडरस्टैंड? है सर, सिकंदर है और यही है, बस मुझे उस तक पहुंचने की वो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन चाहिए सर। आई एम सॉरी अर्जुन, उसके लिए लेवल 5 की क्लियरेंस चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और मुझे अफसोस है कि चाहते हुए भी मैं तुम्हें वो क्लियरेंस नहीं दे सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल सी यू सून। जय हिंद सर। बस पहुंचते हैं। यहाँ पे सर एक लड़की ने वहां से कूद के आत्महत्या कर ली है, और शायद ये गाड़ी उसी लड़की की है सर। डेथ ब्रिज के ऊपर से गिरने से हुई है, मे बी सुसाइड। छोडू सर, दूसरा सैंडल देखो कहाँ है। राइट सर। लीसा। यस सर। इसके एंकल चेक करो। सर देखने से तो नहीं लगता कि एंकल टूटा है, लैब ले जाना पड़ेगा एक्सरे के लिए। ये सुसाइड नहीं कत्ल है, इसका कत्ल हुआ है वो भी यहाँ नहीं कहीं और। और तुम ये बात कैसे कह सकते हो राउते? इस ब्रिज की ऊंचाई लगभग 50 फीट है राठौर, अगर कोई ऊपर से कूदेगा तो सबसे पहले उसके एंकल्स यानी टखने टूटेंगे और बहुत सारा खून निकलेगा जो यहाँ जमीन पे फैला होता, लेकिन इसके पास का ये खून जमा हुआ है, सो दैट मीन्स कि किसी ने इसे कहीं और मारा और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाने के लिए छोड़ गए। एंड सेकेंडली, जब इतने ऊपर से कोई नीचे गिरता है तो मुंह के बल गिरता है, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ है, सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ सुसाइड। सर आसपास कोई सैंडल नहीं मिला, हो सकता है वो ब्रिज के ऊपर हो। लेट्स गो। यहाँ पे किसी ने इस लड़की को कूदते हुए देखा है क्या? नहीं सर। किसी ने भी? नहीं सर। सर किसी ने इस लड़की को कूदते हुए नहीं देखा।
सर कार में भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, पता ही नहीं चल रहा है कार में कौन था, किसकी थी, नथिंग एट ऑल। गाड़ी में कोई सैंडल मिली? कोई सैंडल नहीं मिली। श्री, गाड़ी के नंबर से पता लगाओ इसका ओनर कौन है। इस लाश को इसी गाड़ी में लेकर आया गया है। राइट सर। यू आर राइट सर, इसका एंकल नहीं टूटा और इसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। इसका मुंह किसी चीज से दबाया गया जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। कब हुई उसकी मौत? बॉडी मिलने के कोई 7-8 घंटे पहले। सर, गाड़ी AK सिंघानिया कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है। श्री। सर। क्या लगता है तुम्हें, जब शूटर ने मुझ पे एम किया वो मुझसे कितनी दूरी पे था? सर लगभग 2000 मीटर। हेलो, ये समृता मैम? नो मैम, काजल अभी ऑफिस में नहीं आई है। यस मैम। नो मैम, अभी उसका मोबाइल ऑफ है। यस मैम। क्या यही काम करती है? ये हाँ, ये तो काजल है। क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो चुकी है और इसकी लाश एक ब्रिज के नीचे मिली। क्या क्या करती थी काजल यहाँ पर? अमृता मैम, मेरा मतलब अमृता मैम हमारे CEO की सेक्रेटरी थी। ये तो तुमने आखिरी बार काजल को कब देखा था? सर वो कल रात मेरे जाने तक तो यही थी और उसके बाद कब गई मुझे नहीं पता। और उसका मोबाइल भी ऑफ है और अमृता मैम भी सुबह से उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। एड्रेस मिल सकता है? हाँ, जस्ट वेट अ सेकंड। हमें उसका कैबिन देखना है। सर वो तो आपको उसके लिए सिंघानिया सर की परमिशन लेनी होगी। सर 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 प्लीज रुकिए सर। काजल का कौन सा कैबिन? जी सामने वाला। टेबल पे चीजें इतनी बिखरी हुई क्यों पड़ी? काजल जी को तुमने आखिरी बार कब देखा था? कल मैंने उन्हें कॉफी दी थी, आज सुबह देखा कप टूटा पड़ा हुआ था। कप तो सही सलामत है। नहीं, मैंने उन्हें 2 कप कॉफी दी थी। दूसरा कप किसके लिए? सुना नहीं तुमने? रमेश सर के लिए। और ये सर रमेश कौन है? रमेश सर सिंघानिया साहब के दामाद है और उनकी इकलौती बेटी अमृता जी के पति। ओह यस, मिस्टर रमेश जो इस कंपनी का सबसे मामूली असिस्टेंट मैनेजर रह चुका है और अब मिस्टर सिंघानिया का दामाद। इजंट इट इंटरेस्टिंग? हो सकता है रमेश का अफेयर काजल के साथ, ये बात पूरा ऑफिस जानता हो और रमेश इस बात से डर गया हो कि अगर ये बात सिंघानिया तक पहुंची तो सिंघानिया उसे सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी से तो क्या अपने बिजनेस से भी निकाल देगा और इसी बर्बादी के डर की वजह से उसने काजल को जान से मार दिया। या आई थिंक ऐसा हो सकता है। हम लोग दिमाग पे इतना फालतू का जोर क्यों डाल रहे हैं? रमेश पे डालेंगे तो जवाब भी मिल जाएंगे। रमेश कहाँ मिलेगा? जी सिंघानिया हाउस में। आप भी कमाल करते हैं सिंघानिया जी। आइए, ऑफिस से फोन आया था कि आप लोग घर पर आ रहे हैं। अच्छा सिंघानिया जी, अब इजाजत दीजिए। मिस्टर साहब, आपको इलेक्शन के लिए जितना चंदा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सिंघानिया जी, हम किस लिए बैठे हैं? चलते हैं। कहिए। आपके दामाद से मिलना है हमें। जाओ रमेश को बोला। वैसे काजल की मौत की खबर सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छी लड़की थी वो। जी डैड, बुलाया आपने? ये तुमसे मिलने आए। ACP राठौर, इमरजेंसी टास्क फोर्स। तुम कल रात ऑफिस से घर कितने बजे आए थे? ये कोई 7-8 बजे।
काजल से मुलाकात हुई थी तुम्हारी ऑफिस में? काजल तो ऑफिस में ही थी, केबिन में शायद काम कर रही थी अपना। बहुत चर्चे हैं तुम्हारे ऑफिस में कि काजल के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। ये सब बकवास है। और आपसे किसने कहा ये सब? सबको पता है कि कल ऑफिस से मैं डैड के साथ ही वापस आया हूँ। सही कह रहा है, ये कल मेरे साथ ऑफिस से बाहर निकला और उसके बाद कहीं नहीं गया। आज से कुछ महीने पहले रमेश आपके ऑफिस में सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर था। राज, आपके घर के दामाद, क्या आपकी बेटी? सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। दरअसल रमेश और मेरी बेटी अमृता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी बेटी को बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं इस रिश्ते को उन्हें हाथ लगा। रैम्बो, स्टॉप। आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका जूता खराब हो गया। एक्चुअली इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, कभी अलग नहीं करती। अब आप लोग जाइए। मिस्टर सिंघानिया, हम यहाँ पे बस ऐसी भी साथ बस। पहले तो बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में घुसकर आप लोगों ने तलाशी की, अब मेरे घर में आके मेरे दामाद पर झूठा इल्जाम लगाया, अब और नहीं, अब मेरे सब्र का इम्तिहान और नहीं ले सकते तुम। प्लीज यू कैन गो। लेट्स गो गाइस। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, सिंघानिया जैसे इतनी इगोइस्टिक का आदमी इतनी जल्दी रमेश को अपने दामाद कैसे बना ले? उसके पीछे कोई ना कोई रास्ता जरूर है। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी अमृता से प्यार करते हैं और अमृता रमेश से। सिंपल प्यार, माय फुट। रमेश को अमृता से नहीं, सिंघानिया के दौलत से प्यार होगा, इसलिए उसने अमृता को फंसा लिया होगा। उसी दौरान उसने काजल को भी फंसा लिया, लेकिन जब ऑफिस में उनकी लव स्टोरी के चर्चे फैल गए तो वो डर गया, उसने काजल को मार दिया। अगर लव स्टोरी रमेश और काजल की थी तो विलन अमृता भी तो हो सकती है। मुझे लगता है शायद मर्डर अमृता ने किया है। I don't think so कि वो ऐसा कर सकती है। क्यों? मर्डर ऑफ पैशन की तो हिस्ट्री से भी लंबी हिस्ट्री है। ये सो कॉल्ड प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। काजल के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उसे केबिन में तो नहीं। इट्स ऑब्वियस, मोबाइल जानबूझ के गायब किया गया। श्री, उसके ऑफिस से उसका मोबाइल नंबर लो और उसकी लोकेशन ट्रेस करो और पिछले 7 दिन की कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। आयशा, इस शहर में ऐसे कितने शार्प शूटर हैं जो ये काम कर सकते हैं? अपने टारगेट पे 2000 मीटर की दूरी से एम कर, नॉट इजी। ऐसे दो ही शूटर्स हैं सर, मार्को और बिल्ला। मार्को जेल में है और बिल्ला, जिसे आपने अंदर करवाया था, 2 महीने पहले बेल पर छूटा है। राउते, फिलहाल हम इस केस के बारे में बात कर सकते हैं क्या? कम ऑन, कहाँ थे हम लोग? हाँ, काजल की लाश एक ब्रिज के नीचे मिलती है। पहली नजर से ऐसा लगता है जैसे उसने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। काजल जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का बॉस सिंघानिया, सिंघानिया का दामाद रमेश, और रमेश और काजल के बीच में अफेयर है, ऐसी गॉसिप सुनने को मिलती है। रमेश ने काजल को इन्हीं रूमर्स की वजह से मार दिया हो जिससे उसकी मैरिड लाइफ पे कोई बुरा असर ना पड़े। ये सब कुछ जितना साफ दिख रहा है उतना साफ है नहीं। इस कत्ल की कहानी कुछ और ही है और इस कहानी को पूरा करने के लिए हमें चलना होगा। कहाँ? काजल के घर।
हमने आने में देर कर दी। कोई हमसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेशन करके जा चुका है। लगता है काजल काफी रोमांटिक लड़की थी। इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स, ये सूखा हुआ फूल। पल पल चाहा मैंने रब से कि कुछ पल के लिए तुम साथ रहो, उन पलों का साथ कुछ ऐसा हो कि हर पल तुम ही तुम याद रहो। रोमांटिक शायरी इस डायरी में लिखा है? प्यार में अक्सर लोग इस तरह की चीजें लिखते हैं। आशा, अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी। दिस मीन्स कि अर्जुन के दिल में प्यार के लिए कोई तो रिस्पेक्ट है। सार्कास्टिकली बोल्ड। श्री, पूरे कमरे की तलाशी लो। इस कमरे में तुम्हें एक पिंक कलर की डायरी जरूर मिलेगी। पिंक कलर की डायरी? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे एक पिंक कलर की डायरी है? जाहिर सी बात है राठौर, इस कमरे में हर चीज पिंक है, दीवार, पर्दे, सब कुछ। डायरी भी पिंक ही होगी। आयशा, पढ़ो इसे। आज हमने जो वक्त साथ गुजारा वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था। जब भी हम साथ नरम और गीली रेत पर चलते हैं तो दिल को एक अजीब सी ठंडक मिलती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और के लिए कोई भी जगह है? मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मेरे गले में वो लॉकेट डाला था। वो लॉकेट नहीं, मेरे लिए मंगलसूत्र है। तभी मैंने उस लॉकेट को हमेशा दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। लेकिन हमें तो कोई लॉकेट नहीं मिला। अगर उसके दिल के इतना करीब था तो यहीं कहीं होगा। मतलब अमर सिंघानिया। हो सकता है घर की तलाशी इसी लॉकेट के लिए ली गई। आयशा, चेक करो कि अमर सिंघानिया किस किस्म का इंसान है। What kind of a man is he? वो बोलो तारीख।
तरह बॉटल में रेत भरने का क्या मतलब हो सकता है? शायद काजल को बीचेस का शौक था। जब कभी किसी बीच पे जाती थी तो उस बीच की रेत अपने साथ ले आती थी। इन बोतलों पे जो तारीख लिखी उन तारीखों के साथ टैली करो कि जब काजल छुट्टी पे इन बीचेस पे गई थी कि ऑफिस का कोई और इंसान भी उस वक्त वहां मौजूद था। राइट सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।